वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का टाइटल पढ़ के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज किससे मिलवाने जा रही हूँ, और जो कि मेरे पास ही बैठी हुई है, मगर आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से, और आप लोग इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम अपनी मदर इन लॉ से मिलवाइए, तो आज मैं कुछ फन के साथ अपनी मदर इन लॉ से भी आपको मिलवाऊंगी। आप सभी लोग काफी टाइम से बोल रहे थे मैम अपनी मदर इन लॉ को भी लेके आइए, तो चलिए मदर इन लॉ को भी लेकर आ जाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि वो क्या सोचती हैं मेरे ड्रेसअप सेंस के बारे में, जिसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मिलवाऊंगी अपनी मदर इन लॉ से। तो मम्मी जल्दी से आ जाओ, मम्मी भी बिल्कुल पास में बैठी हुई है। तो ये है मेरी मदर इन लॉ, मम्मी पास में आओ, कैमरे में आने चाहिए ना हम लोग। तो ये है मेरी मदर इन लॉ। तो मम्मी सबसे पहले सबको हाय बोल दो। हाय। हाँ, तो ये है मेरी मदर इन लॉ, और आज हम दोनों लोगों ने कुछ एक डिसाइड किया है, थोड़ा सा फन हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग मिल लीजिए मेरी मदर इन लॉ से, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरी मम्मी ही देंगी, अगर मेरी मम्मी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। अगर मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो मैं दे दूंगी। लोग काफी दिन से चाहते थे मेरी मदर इन लॉ से मिलना, और मैंने भी बड़ी मुश्किलों से मम्मी को मनाया है कैमरे के सामने आने को, क्योंकि कैमरे के सामने आने से मम्मी जो है थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, और कभी आई नहीं है कैमरे के सामने, तो ऑब्वियसली बात है उन्हें हेजिटेशन होगी होगी। तो बड़ी मुश्किलों से आपकी वजह से मैंने मम्मी को मनाया है, और मम्मी को बहुत हेजिटेशन है, बड़ी मुश्किल से मम्मी पकड़ के बैठाया हुआ है, मम्मी बार बार कैमरे से उधर हो रही है, और मम्मी बार बार मम्मी कैमरे के सामने आ जाओ, और मम्मी बार बार उधर जा रही है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर में इसी तरीके की फन वाली वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि मैं अपने आप को किस में कंफर्टेबल फील करती हूँ, किस ड्रेसअप सेंस में मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हूँ, और मेरी मदर इन लॉ जो है वो मुझे किस ड्रेसअप सेंस में देखना चाहती हैं, या किस ड्रेसअप सेंस में देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है साड़ी और सूट। लेट्स सी कि मम्मी क्या बोलती है मुझे पहनने के लिए, मम्मी किस ड्रेसअप सेंस में मुझे चाहती हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बताऊंगी कि मैं अपने आप को किस में कंफर्टेबल सबसे ज्यादा फील करती हूँ। तो मैं अपने आप को यहाँ पे टी शर्ट और जीन्स में सबसे ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपना टॉप और जीन्स उठाती हूँ कि फटाफट से मैंने पहना और मुझे निकलना है। तो मैं यहाँ पे अपने आप को लाइक टी शर्ट और जीन्स में कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो मैंने अभी तो यहाँ पे जीन्स और टी शर्ट ही पहन रखी है। तो मम्मी किस चीज में कंफर्टेबल फील कराती है मुझे, मतलब मम्मी को किस चीज में कंफर्टेबल फील होता है मुझे देख के, तो चलिए वो भी देखते हैं। और मम्मी यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाली है और मैं ही बोलने वाली हूँ, तो इसको इग्नोर करना। मम्मी कुछ बोल दो, कुछ बोल दो, हम क्या बोल दी कुछ तो हम क्या बने, बोलो ना। हाँ, तो मम्मी तो फिलहाल कुछ नहीं बोल। अच्छा, वैसे आप क्या चाहती हो मैं क्या पहनूं? साड़ी। मम्मी साड़ी नहीं, साड़ी नहीं। सो साड़ी के लिए मैंने मम्मी को पहले बोल दिया कि नहीं मम्मी साड़ी मत बोलना, साड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ, बहुत रेयर केस में पहनती हूँ, फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं उसमें पहनती हूँ। मम्मी को अब मेरे पास ये भी क्वेश्चन आई नो आएंगे कि आपकी मदर इन लॉ आपको इन कपड़ों में देख के उनका कोई रिएक्शन नहीं होता, तो उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है, वो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, सबका एक कुछ एक होता है ना कि एक टेस्ट होता है, जैसे मेरा टेस्ट है कि मुझे जीन्स और टॉप बहुत पसंद है, तो मैं इसमें कंफर्टेबल ज्यादा फील करती हूँ। और मम्मी का टेस्ट जो है वो साड़ी या फिर कुर्ता वगैरह है, तो मम्मी को उसमें पसंद है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि मम्मी ने मेरे लिए कौन सी साड़ी नहीं, कौन सा सूट निकाल के रखा है पहनने के लिए। तो मैंने मम्मी ने मेरी वार्डरोब से जो मम्मी को पसंद है सूट, जिसमें मम्मी मुझे देखना चाहती है, वो निकाला है। तो चलिए देखते हैं मम्मी कौन सा सूट निकाल के ला। सो यहाँ पे मम्मी मेरे लिए निकाल के ला चुकी है एक सूट। मम्मी कौन सा सूट निकाल के लाइयो दिखाओ। तो मम्मी ने एक ये सूट निकाला है, ये काफी टाइम, 2 साल हो गए काफी, हाँ 2 साल हो गए ना मम्मी। हाँ। इस सूट को लिए हुए कम से कम मुझे 2 साल हो गए हैं, और ये वाला सूट मम्मी को बहुत पसंद है, व्हाइट कलर का है ये, और ये है इसकी चुन्नी, और पटियाला इसकी सलवार है, मम्मी ने पटियाला सलवार निकाली है, पजामी नहीं, नो पजामी एंड कुछ, और ये निकाला है कुर्ता।
तो ये पहन के दिखाती हूँ ये कैसा लगता है मेरे ऊपर। और स्लीव जो है इसकी कट स्लीव है, तो ये मेरे लिए मम्मी ने निकाला है और 2 साल पुराना है। और मम्मी को ये सूट काफी अच्छा लगता है, तो मम्मी चाहती थी कि मैं ये वाला सूट पहनूं। तो चलिए मैं पहन के आती हूँ, उसके बाद आप बताना कि मैं सूट में ज्यादा अच्छी लगती हूँ या जीन्स में ज्यादा। मैं यहाँ पे पहन के आ चुकी हूँ मम्मी के पसंद का कुर्ता, जो कि मैंने दिखाया आपको पूरा कि देखने में कैसा लगता है। मगर मम्मी से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि मम्मी इसके कट स्लीप है ये कंफर्टेबल है? हाँ कट स्लीप में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कट स्लीप में मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? वैसे प्रॉब्लम तो मम्मी को जीन्स टॉप में भी नहीं है, है ना मम्मी? मम्मी को जीन्स टॉप में भी अच्छा लगता है, बट हाँ किसी किसी मौके पे मम्मी चाहती है कि मैं सूट भी पहनूं। और ऐसा नहीं है यार, मैं सूट भी पहनती हूँ, बट देखना चाहती थी कि मम्मी सूट बोलेगी या साड़ी बोलेगी। और साड़ी के लिए मैंने मना कर दिया क्योंकि चेंज करने में और पहनने में उसको बहुत टाइम लगने वाला था। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं मुझे साड़ी में, तो वो भी जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे मम्मी बाल मेरे ठीक है सूट के हिसाब से? बाल कैसे चाहती है आप बनवाना? ठीक है। हैं बालों में भी कुछ चोटी वोटी बना लो, गूथ लो, ऐसा तो नहीं ना? बाल ठीक है? कानों के अच्छे लग रहे मेरे? और चुन्नी कैसे डालू? ऐसे ऐसे करके डालू, एक साइड से लेके डालू? एक साइड से। वाह भाई, मम्मी ने बोला एक साइड से डालो, और क्या कहते हैं दोनों साइड से नहीं डालो। मम्मी को बाल भी बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, मगर मम्मी को जीन्स और टॉप थोड़ा सा वो लग रहा था, है ना मम्मी? थोड़ा सा नहीं, मतलब मेरी वैसे मम्मी कुछ नहीं लगता यार इस तरीके, मतलब कोई नेगेटिव कमेंट मत करना आप लोग कि मम्मी को अगर नहीं पसंद है तो आप मत पहना करो, तो ऐसा प्लीज नेगेटिव कमेंट मत करना। मम्मी को पसंद है जीन्स टॉप सब कुछ पहनना, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो तो मम्मी कहती है वो चीज आप पहनो। बस मैं यहाँ पे थोड़े से फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और मम्मी के जो एक हेजिटेशन है कैमरे के सामने, वो मम्मी की मुझे हटानी है, तो इस वजह से मैं साथ लेके आई हूँ मम्मी को। और आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मम्मी को कैमरे के सामने लेके आओ, सो फाइनली मैं लेके आ चुकी हूँ मम्मी को कैमरे के सामने। तो मैंने पहन लिया है यहाँ पे कुर्ता और अपना सलवार, और मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा है ना मम्मी? हाँ तो मम्मी को लग रहा है बहुत अच्छा, और मम्मी सिर्फ हाँ और ना बोलने वाली हैं, इसके अलावा मम्मी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलेंगी, क्योंकि मम्मी कह रही है जल्दी से ये वीडियो खत्म हो और मैं यहाँ से भागू। बस मम्मी और मैं, मम्मी को बार बार कह रही मम्मी इधर आ जाओ। सो फाइनली मैंने पहन लिया है कुर्ता और सलवार। सो आई होप आपको मेरे दोनों ही लुक अच्छे लगे होंगे, सबसे ज्यादा कौन सा लुक अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर दे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दे। मम्मी आप भी बोल दो, क्या कर दे? लाइक कर दो और मम्मी नहीं बोल पाएंगी तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मम्मी के लिए भी लाइक कर दो भाई। बड़ी मुश्किलों से मैं मम्मी को मना के लेकर आई हूँ इस कैमरे के सामने, और शायद आगे अगर हेजिटेशन थोड़ी सी कम हुई, थोड़ा डरना वरना कम हो गया, तो मम्मी शायद से इसी तरीके से आपके सामने आती रहे और शायद इन फ्यूचर आप लोगों से बातें भी करें। ऐसा नहीं है मम्मी ऑफ कैमरा बहुत ज्यादा बातें करती, कैमरे के सामने भी बिल्कुल भी बातें नहीं कर रही है, हम लोग दोनों लोग बहुत मस्ती भी करते हैं। सो इस वीडियो को कर दे लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर, और इस तरीके की वीडियो अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो हम मम्मी और बहू और सास फिर इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो लाते रहेंगे। सो चलिए हमें दीजिए इजाजत, और आप रखिए अपना ख्याल। टिल देन स्टे हैप्पी, बाय बाय।